वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के बारे में। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का मकसद है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के डिज़ाइन को ऐसा बनाया जाए कि वो हर तरह के डिवाइसेस पर आसानी से एक्सेसिबल हो सके। इस डिज़ाइन का मतलब है कि वेबसाइट्स या मोबाइल एप्लीकेशंस के डिज़ाइन में ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि यूज़र्स को उससे एक्सेस करने में कोई मुश्किल ना हो, चाहे वो डेस्कटॉप हो या मोबाइल डिवाइसेस हो। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का एक बहुत ही फ़ायदा है कि वो यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है और इस डिज़ाइन के ज़रिए वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशंस को यूज़र्स की डिवाइस की स्क्रीन साइज़, ओरिएंटेशन और रेजोल्यूशन के मुताबिक एडजस्ट कर दिया जाता है। इस तरह से यूज़र्स को कंटेंट को एक्सेस करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती और वो ज़्यादा कंफर्टेबल तरीके से कंटेंट को इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का की बहुत अहमियत है क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग मोबाइल डिवाइसेस और टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन की मदद से यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतर किया जा सकता है और यूज़र्स को वेबसाइट या एप्लीकेशंस को एक्सेस करने में आसानी हो जाती है। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के इस्तेमाल में डिज़ाइन की तशकील, लेआउट और टाइपोग्राफी शामिल हैं। इस प्रोसेस में टारगेट ऑडियंस, मैसेज और ब्रांड की वैल्यूज़ को ध्यान में रखकर रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन तशकील दी जाती है। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का इस्तेमाल किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज़रूरी है। एक बेहतरीन रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के ज़रिए वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशंस को यूज़र्स के लिए ज़्यादा एक्सेसिबल और यूज़र फ्रेंडली बनाया जा सकता है। इस तरह से यूज़र एक्सपीरियंस और एंगेजमेंट को बेहतर किया जा सकता है। आई होप सो आपको रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव लेटेस्ट वीडियो काइंडली सब्सक्राइब।